यार दोस्तों, आज हम जानेंगे एम्पलीफायर, डीजे एम्पलीफायर के रिपेयरिंग के बारे में। और दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो देखनी है, मेरा चैनल है मिस्टर गिल म्यूजिक हिंदी चैनल पर जाओ, आपको वहाँ पर रिपेयरिंग की वीडियो मिलेगी। चाहे टीवी रिपेयरिंग हो, थिएटर रिपेयरिंग हो, डीटीएच रिपेयरिंग हो, तो आपको वहाँ पर रिपेयरिंग की वीडियो मिलेंगी। अच्छी तरह से जानकारी देते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हम वीडियो बनाते हैं। और ये डीजे एम्पलीफायर की वीडियो है, तो दोस्तों इसको स्किप मत करना, क्योंकि आपको ये जानकारी, बहुत सारी जानकारी दे सकती है। जो कि फॉल्ट है एम्पलीफायर में, बिजली ज़्यादा आने से इसके अंदर फॉल्ट हुआ है, और वो फॉल्ट मैंने वीडियो के अंदर निकाला है, बताया है कैसे करना है, क्या चीज़ ख़राब होती है, किसको कैसे चेक करना है और किसको चेंज करना है। तो मैंने किस पार्ट को चेंज करना है, मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें। और आपको जो कुछ भी इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताने की कोशिश। तो ये है डीजे एम्पलीफायर, जो कि ये ख़राब हो चुका है, इसको रिपेयरिंग करेंगे। रिपेयरिंग देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने ये आपको फिल्टर दिखाए हैं, ये यहाँ से उखाड़ कर, तो आप देख सकते हो इन फिल्टरों में जो कि ऊपर की तरफ फूटे हुए हैं, ये थोड़ा सेफ है, लेकिन ये सभी जो कंडेंसर हैं ये ख़राब हो चुके हैं। ये ऊपर से सभी कंडेंसर उठे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। इसकी वजह है यहाँ पर लाइट ज़्यादा आने की, और ये कॉइल है जो कि वोल्टेज को, एसी वोल्टेज ये देती है। और यहाँ से आगे आने के बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर डायोड लगे हैं, ये डायोड हैं। इन डायोडों से डीसी वोल्टेज होकर यहाँ पर अपना कंडेंसरों से, कंडेंसरों के पास आते हैं, और इन कंडेंसरों से आप देख सकते हो ये वोल्टेज, ये आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ जाते हैं, जो कि एम्पलीफायर के चैनल 1 और चैनल 2 पर। ये 5200 और 1943 का सर्किट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये 5200, और ये आप देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ सभी 5200 ही लगे हैं, 2500, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पर 1943 मॉस्फेट लगे हैं। आप इधर भी देख सकते हो, इधर 1943 है। आपको मैं नंबर दिखाना चाहूँगा, ये नंबर देख सकते हो आप, ये 1943। और इसमें वजह क्या थी, वजह मैंने आपको बता दी, इसमें लाइट ज़्यादा आने की वजह थी। और इसको रिपेयरिंग कैसे करें, तो आपको सबसे पहले यहाँ से सर्किट स्टार्ट होता है, ये रिले है, ये VTR है, तो यहाँ से सर्किट आप देख सकते हो, VTR भी बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये बिल्कुल फटे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल फटे हुए हैं, ये देखो, ये VTR भी यहाँ से फटे हैं। तो इसका कारण क्या था, ये VTR भी बिल्कुल फट चुका है। इसका कारण था कि जो आगे अपना ये डायोड लगे होते हैं, यहाँ पर ये डायोड हैं, ये शॉर्ट हो चुके थे। ये शॉर्ट होने के कारण ये BT ख़राब हो गया, और ज़्यादा लाइट आने के कारण ही ये जो है ख़राब हुआ। उसी वजह से ये जो कंडेंसर हैं, ये कंडेंसर भी फटे हैं, उसी वजह से, लाइट की वजह से। और ये VTR ख़राब हुए हैं इस डायोड की वजह से। ये नीचे चार डायोड लगे होते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। मैं आपको चेक करके बिल्कुल बताऊंगा। तो यदि आप भी रिपेयरिंग करना चाहते हो अपने एम्पलीफायर को, सबसे पहले आपको अपना डायोड चेक करना है, ऐसे ये कंडेंसर फटे ना हो, इनको बिल्कुल चेंज करना है। फिर आगे जाके आप इसको लाइट में लगाकर देख सकते हो।
पहले ये चेक करना है। अभी आपको मैं एम्पलीफायर का ये जो डायोड है ये चेक करवा के दिखाता हूँ। ये हमारा मीटर है और इससे मैं आपको सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, आपको यहाँ दिखा सकते हैं क्योंकि मैंने कैमरा भी लिया है साथ में। उस कैमरे ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, ये इस साइड भी। तो ये देखो, ये डाइड है, ये कोई और चीज नहीं, ये डाइड है। ये बिल्कुल खराब हो चुका, शॉर्ट हो चुका है। आपको डाइड के बारे में यदि नहीं पता है डाइड कैसे चेक करें, तो डाइड का एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव रहता है, जिसको मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये हमारा ये डाइड है, इसका काम भी यही है। ये भी एसी को डीसी में चेंज करता है, ये डाइड भी एसी को डीसी में चेंज करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक निशान है, ये निशान है जो ये इस साइड में ये निशान है, देखो ये अभी थोड़ा दिख रहा है। ये पॉजिटिव होता है और इस साइड का नेगेटिव होता है, तो हम पॉजिटिव पर पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव पर नेगेटिव रखेंगे, तो ये कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। और इस साइड में हम रखेंगे जैसे कि नेगेटिव पर पॉजिटिव और पॉजिटिव पर ये नेगेटिव, तो यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि ये ठीक है, लेकिन ये हमारा जो शॉर्ट दिखा रहा है, तो शॉर्ट होने का होने के कारण ये एम्पलीफायर है जो ख़राब हो चुका है, इसको रिपेयरिंग करेंगे। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। यदि आपको कुछ और पूछना हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में पूछें।